वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज आ चुके हैं हम लोग क्लास 11th के फोर्थ लेक्चर में। अब वो फोर्थ लेक्चर किसका हो रहा है, वो फोर्थ लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों खत्म हो चुका है, मैंने बता दिया था, चैप्टर एंड हो चुका है। और आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो की एनसीईआरटी के होंगे, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3rd है, ये 13। तो बच्चों क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया क्या गया है कि नदी है कोई, जो कि नदी की चौड़ाई जो है वो 1 किलोमीटर है, ओके। और कोई जो तैराक है वो किसी एक सिरे से, नदी के इस सिरे से नदी के उस सिरे तक लंबवत तैरना चाहता है, ठीक है, लंबवत तैरना चाहता है और ये यहाँ पहुंचना भी चाहता है। हुआ क्या कि जब ये लंबवत तैरना चाहता है तो इस तैराक की जो चाल है, तैराक के लिए वीएम मैन इस्तेमाल कर लेते हैं, इसकी जो चाल है शांत जल में जब नदी का कोई बहाव ना हो तो वह है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ये इसकी शांत जल में चाल है, ओके। और अगर वो यहां से वहां लंबवत तैरना स्टार्ट करता है, नदी का बहाव, ये नदी का बहाव कुछ इस तरीके से है, और नदी का जो बहाव है जिसको हम वी आर लिख सकते हैं, तो जो नदी का बहाव है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर नदी का घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो जब यहाँ से तैरना स्टार्ट करेगा तो क्या वो यहाँ बी पर पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। वो अगर ए से शुरू करता है तो कभी बी पर नहीं पहुंचेगा, बल्कि नदी उसको बहा करके कहाँ पर लेके जाएगी, अगले पॉइंट पर लेके जाएगी, और वो अगला पॉइंट हो सकता है सी। तो ए से बी पर ना पहुंच के वो ए से सी पर पहुंच गया। अब पूछना क्या क्या है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नदी को पार करने में इसको समय कितना लगेगा, और दूसरा पूछा गया है कि जब वो यहाँ से वहां पहुंचेगा तो मार्ग से तो भटक जाएगा, तो वो कितना भटकेगा, मतलब आपसे पूछा गया है कि वो मार्ग से कितना भटकेगा, मतलब एक्स पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा कि जब यहाँ से वहां चलता है तो यहाँ से वहां जाने के लिए वो जब चलना शुरू किया तो अपने चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना शुरू किया था, लेकिन वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से न जाकर के 3 के वजह से उसका वेग बदल गया होगा। कोई मतलब नहीं है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा, 1 किलोमीटर को अगर सीधा पार करना चाहता तो उसको जितना समय लगता उतना ही समय उसको अब भी लगेगा, मतलब चाल उसके नदी की चाल की वजह से बढ़ जाने के बाद उसकी दूरी भी तो बढ़ गई, उसकी दूरी भी बढ़ गई, चाल भी बढ़ गई, समय नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो टाइम नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं शांत जल में इसका समय निकालूं तो वही समय होगा उसके नदी के बहाव के साथ भी नदी पार करने का। तो नदी पार करने की बात हो रही है, टारगेट पे पहुंचने की नहीं, ठीक है। तो नदी पार करने में, नदी पार करने में लगा समय, तो लगा समय टी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं क्या, दूरी, ठीक है, दूरी पता है और इससे चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, चाल किसकी, उस तैराक की शांत जल में, मतलब वीएम। तो ये हो गया 1 किलोमीटर जो कि दिया गया है, और ये है चार, इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको 1 किलोमीटर बाय 4 को 0.25 लिख सकते हैं, और ये आपका आ जाएगा घंटे। ये पहला आंसर आपके सामने। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना भटक गया, तो जिस पॉइंट से वो तैरना शुरू किया था उसी पॉइंट से भटकना भी शुरू कर दिया था, भटक के वो कहां पहुंचा, टारगेट से डिस्प्लेस हो तो सी पर पहुंच गया, तो टारगेट लक्ष्य से कितना विस्थापित हो गया, तो लक्ष्य से विस्थापन, लक्ष्य से विस्थापन कितना हुआ, वो हो गया एक्स। दूरी, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, चाल किसके वजह से, किसके वजह से भटका है, वी आर की वजह से, तो चाल और कितने समय में, उतने ही समय जितने समय वो पार किया है, मतलब समय। तो दूरी बराबर चाल, नदी की चाल, नदी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये समय कितना लगा था, 1/4, आप इसको कर लीजिएगा सॉल्व, तो कितना भटक गया, 3/4 मतलब 3/5 किलोमीटर, डिवाइड कर लीजिएगा तो आएगा 0.75 किलोमीटर, मतलब आप कितना भटक सकते हैं, 0.75, काफी ज्यादा होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो 13 क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, डायग्राम से। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो कि कह रहा है कि मैं किसी गेंद को फेंकना चाहता हूँ, वो गेंद को ऐसे फेंकना चाहता है, और वो गेंद को किसी कोण पर इस तरीके से फेंके कि वो 25 मीटर हाइट की एक छत को बिना टकराए
टकराए, मतलब इसके एट द टॉप ऑफ द पॉइंट से बिना टकराए इसको पार कर जाए, तो वो अधिकतम दूरी क्या होगी जिससे वो बिना टकराए अधिक से अधिक मतलब आर दूरी पर पहुंच जाए। वो आर दूरी कितनी होगी मुझे वो पता करना है। और ये गेंद को जो फेंका गया है वो गेंद को फेंका 40 मीटर पर सेकेंड से, ध्यान दीजिएगा गेंद को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाए ताकि वो इसके टॉप से होते हुए मतलब बिना टकराए अधिक से अधिक आर दूरी तय कर ले। मुझे निकालना है कि ये कितनी दूरी होगी। आइए फटाफट से इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है वो नोट कर लीजिए। दिया है आपको 40 मीटर पर सेकेंड का वेग, आपको दिया गया हाइट जो कि है 25 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा गया है कि वो दूरी क्या होगी, क्षैतिज दूरी। आइए फटाफट देखते हैं। सिंस हम जानते हैं कि h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है ना बच्चों आपका g की वैल्यू। जहां तक लेने की बात आती है g की वैल्यू आप यहाँ पे 10 ले सकते हैं, आपको ये यहाँ पे छूट है। यहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो उसके लिए आपको लिखना होगा 2gh अपॉन u स्क्वायर h, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 9.8 × h की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन u की वैल्यू 40 का स्क्वायर। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 0.55। ओके साइन थीटा की वैल्यू, यहां से थीटा की वैल्यू आप टेबल देख के निकालिएगा तब वहां पर मिलेगा 33.6 डिग्री। अच्छा ये टेबल देख के निकालना आपको नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में ये चीजें मिलेंगी, 0.55 लगभग बराबर होगा 33.6 के, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ से परास निकालना है बच्चों, मतलब आपको क्षैतिज दूरी निकालना है। क्षैतिज दूरी r इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। अब यहाँ से मुझे निकालना आर की वैल्यू, तो यू की जगह पे आप लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर और साइन 2θ को लिख सकते हैं 2sin θ cos थीटा, तो 2sin θ cos थीटा अपॉन यहां से आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 9.8। करिएगा बच्चों सॉल्व इसको थीटा के जगह पे वैल्यू रख के, तो ये आपका आ जाएगा 1600, यहाँ पे 2, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 36, अच्छा यहाँ पे 2sin θ cos थीटा भी लिख सकते हैं, और वैल्यू बच्चों होता है साइन 2θ के जगह पे साइन 2 को मल्टीप्लाई करें 33.6 से, तो 67.4। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा 9.8 कर लीजिएगा बच्चों सॉल्व इसको, इसकी वैल्यू देख करके इसकी वैल्यू आएगी 0.9 समथिंग कुछ आएगा बच्चों 9.2 करके, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 0.0 × 69 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.92 / 9.2 करके सॉल्व करेंगे तो आपको आर की जो वैल्यू मिलेगी वो लगभग 150 कुछ मिलेगा, तो आप इसको कर लीजिएगा सॉल्व 150 क्या आएगा ये तो आपको करके पता चल जाएगा। तो ये मिल जाए आपका परास। आई होप बात सही समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया सबसे पहले हमने ये निकाला कि किस कोण से फेंका जाएगा, कोण निकाल लिया, जैसे ही कोण पता चल गया हमने कोण को ले जाके इसमें रख दिया, सारी चीजें पता थी, टेबल देख करके हम वैल्यू निकाल लेंगे, ये एग्जाम में आपको मिलेगा, आर की वैल्यू आपको लगभग 150 मीटर के आसपास मिल जाएगी। आई होप क्लियर हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर कोई क्रिकेट का एक खिलाड़ी किसी गेंद को अधिक से अधिक 100 मीटर दूरी तक फेंक सकता है, अधिक से अधिक 100 मीटर दूरी तक फेंक सकता है, तो वो अधिक से अधिक किस ऊंचाई तक गेंद को फेंक सकेगा अगर उसी वेग से वो गेंद को फेंके, तो अधिक से अधिक वो कितनी ऊंचाई कवर कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा वेग आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, अधिक से अधिक आप इतना कर सकते हो, तो अगर हम उसी वेग से ऊपर फेंके तो कितनी ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। तो सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन का तो बहुत आसान तरीका हो सकता है, एक फॉर्मूला हम पढ़े थे एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स, आर मैक्स ये कैसे आता है पहले ये देखते बच्चों। हम लोग जानते हैं कि अगर आर मैक्स की वैल्यू अधिक से अधिक होगी तो कितनी होगी यू स्क्वायर अपॉन जी, अगर मुझे एच मैक्स अधिक से अधिक निकालना है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके तो ये वैल्यू दी हुई है कितनी 100। आई होप क्लियर हो रहा है। तो अगर एच मैक्स आपको निकालना है तो एच मैक्स इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी को आप आर मैक्स लिख सकते हैं आर मैक्स अपॉन 2, ये इसको आपने आर मैक्स
लिख दिया, आर मैक्स की जगह पे आप 100 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, कैंसिल करिए, आपको मिल जाएगा 50 मीटर। मतलब अगर मुझे इसी गेंद को अधिक से अधिक ऊपर फेंकना है तो मैं कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता हूँ, अगर मैं उसको फेंकूंगा उसी गेंद को उसी वेग से फेंकने पर अधिक से अधिक 50 मीटर ऊंचाई तक फेंक सकता हूँ, ये हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। ओके, आई होप बात क्लियर हो रही है। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 25 है। तो ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किसी एक बिंदु से, मान लीजिए बिंदु है, इसके अवलोकन बिंदु कह सकते हैं, इसके अवलोकन बिंदु के द्वारा अगर कोई वायुयान, अगर कोई वायुयान एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक पहुंचता है, जहां वो अवलोकन बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितने समय में? मान लेते कि कोई वायुयान एक समान चाल से चलते हुए 10 सेकंड में एक बिंदु पी से एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक जब पहुंचता है तो पी से 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो इस वायुयान की चाल क्या होगी? तो इस आयान की चाल निकालनी है। तो बच्चे चाल निकालनी है तो एक ट्राइंगल टाइप का शेप बन रहा है बच्चों, यहां से काम करिएगा, यहां से आपको पता ही यूनिफॉर्मली चल रहा है तो दोनों तरफ जो बिहेवियर होगा, क्षैतिज चल रहा बिहेवियर होगा, जो एंगल होगा वो सेम बनेगा, तो यहां से आप लंब डाल दीजिए बच्चों। जैसे ही लंब डाल देंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 15 डिग्री और इधर वाला पार्ट भी हो जाएगा 15 डिग्री, और यहां पर आप नाम दे दीजिएगा कोई M, तो ये M M एक पॉइंट है जो लंबवत होगा पी एम के नाम से, तो यहां से ट्राइंगल मिल गया। अगर बच्चों कोई आपको ये वाला डिस्टेंस बता दे तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल दूरी पता चल जाए और समय पता है तो चाल निकल आएगी। आइए तो सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको पता है ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे दिया गया है कि जो वायुयान की ऊंचाई है उस अवलोकन बिंदु से 3400 मीटर ऊंचाई पर है, तो आइए दूरी निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल बच्चों ले लीजिएगा, यहाँ पे टाइम दिया हुआ था, टाइम लिख के रखिएगा 10 सेकंड। ट्राइंगल जो बच्चों दिया है वो है हमारे पास पी एम बी। पी एम बी में अगर मुझे केवल ये वाला डिस्टेंस पता करना है, ये पता है, आधार पता करना है, लंब पता है, तो 10 लगा सकते हैं बच्चों। तो 10 15 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब आप लिख सकते हैं पीएम और आधार लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं एमबी। तो आपका ध्यान से देखिएगा, ये कर्ण है, ये आधार, ये लंब होगा, तो लंब आपका हो गया पीएम और नीचे हो गया आपका आधार बीएम। ओके, यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बीएम निकालने की कोशिश करिए तो बीएम कैसे निकालेंगे, तो बीएम निकाल सकते हैं किसी तरीके से, कोण के सामने भुजा लंब, यहां से अगर मुझे निकालना है ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी हम निकालेंगे कैसे, तो हम यहां से निकालेंगे 10 15 डिग्री, कोण के सामने भुजा लंब होती तो ये लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा, तो लंब बच्चों हो गया आपका बीएम और आधार जो है वो हो गया आपका पीएम पीएम। ओके, तो ये यहां से अगर आपको बीएम निकालना है तो बीएम इज इक्वल टू हो जाएगा पीएम इंटू 10 15 डिग्री, तो पीएम की वैल्यू कितनी है 3400 और इंटू साइन 15 की वैल्यू होती है 0.246। ठीक है, वैल्यू आप देख सकते हैं टेबल से, आराम से देख करके आप रख लीजिएगा 0.246 और ये बीएम की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही बीएम की वैल्यू आ जाएगी आप टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्योंकि एक समान चाल से चल रही थी, अतः अगर मुझे निकालना होगा पूरा ए बी तो हम इसमें क्या करेंगे 2 into bm कर देंगे, 2 into bm, क्योंकि दोनों यहां से यहां तक की दूरियां बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहां से 2 into 3400 into 0.246 सॉल्व करिए इसको, तो सॉल्व करेंगे तो आपको 18.22.4 लगभग कुछ मिल जाएगा डिस्टेंस ऐसा। अब ये जो डिस्टेंस आएगी इससे आप, अगर आपको चाल निकालनी होगी, ये क्षैतिज दूरी यहां से यहां तक की आ गई, चाल निकालनी होगी, तो चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको पता है बच्चों 18.22.4, और अगर आपको समय पता है 10 सेकंड तो डिवाइड कर लीजिएगा, चाल आपको 182.2 मीटर पर सेकंड की मिल जाएगी। तो आई होप ये आपको पता चल गया कि यहां से यहां जा रही है तो हमारे एरोप्लेन वायुयान की चाल क्या होगी, तो ये इस तरीके से 182 किलोमीटर या मीटर प्रति सेकंड की होगी।
तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। ये एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन हो गए, आप लगाएंगे मोशन इन प्लेन के और भी क्वेश्चंस और जितने भी डाउट होंगे आप करेंगे हमसे शेयर, ताकि हम उसको आपको बता सके अगले लेक्चर में या फिर आपको इंडिविजुअली बता सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जय हिंद।